दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एसआर क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने की एक विधि सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट निकालने का एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसमें जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उसका वर्गमूल कैसे निकलता है मैं ये बताऊंगा। आपने देखा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है वो तो बहुत इजी है, निकल जाता है। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हैं, आप उनका कैसे निकालोगे, तो आज मैं वही सिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को। देखिए, जो भी नंबर रहे ना हमारा, जैसे 11 है, तो 11 को हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। और तोड़ने का तरीका क्या होगा, एक्स प्लस या माइनस बाई, ठीक है, ऐसे करके तोड़ेंगे। एक्स प्लस या माइनस बाई, ये जो हमारा एक्स है ना, ये एक्स जो है इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इससे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, बाकी फिर बाई जो भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एक्स प्लस माइनस बाई बाई टू रूट एक्स। देखने में लग रहा होगा फॉर्मूला काफ़ी लेंदी सा है, यकीन मानो जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो ऐसे ही ऑटोमेटिक लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे अपने नोट कॉपी पे लिख लो कि ये क्या होता है, फिर मैं देखो समझा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था हमारा, 11 का। तो रूट अंडर 11 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर, इसका सबसे नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना। उसके लिए चाहे हमें इसको प्लस में तोड़ना पड़े या माइनस में तोड़ना पड़े, तो सबसे नज़दीक इसका कौन है, दो परफेक्ट स्क्वायर हैं इसके आसपास। एक तो 9 है जो कि 3 का स्क्वायर होता है, और एक 16 है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो 9 इस वाला स्क्वायर इसके ज़्यादा करीब है ना। तो क्या इसको लिख लेंगे, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट अंडर एक्स, तो ये हो गया एक्स, एक्स प्लस ये क्या हो गया बाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट एक्स, तो रूट 9 प्लस है, माइनस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्या है बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, यही है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा, रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, प्लस 2 से 2 हो गया कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 1, और नीचे में रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो 1 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, और इसे ऐड करना है तो ये 3 को 1 से ऐड करोगे तो 3 3 3 होते चला जाएगा ये, है ना। तो जब भी इसे ऐड करेंगे तो 3.33 आएगा, ये एडिशन तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो रूट 11 का जो वैल्यू है वो है 3.33। देखा कितनी आसानी से निकल गया। तो आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आप तो कह रहे थे बहुत कम समय में निकाल देंगे। तो देखिए हम अगला करते हैं, और उसको देखिए कितना स्पीड में करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैं इसे रब कर देता हूँ, अगला जो हमारा है रूट 12, रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 9 प्लस 3, लिख सकते हैं ना। देखिए 9 यहाँ पे क्या है, रूट 9 है, तो रूट 9 का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगा दिया, बाई का वैल्यू कितना है 3 है, डिवाइडेड बाई 2 रूट 9 है ना। 2 रूट 9 का मतलब सीधा कितना, 2 और ये 3, यही होगा ना। नीचे में क्या रूट एक्स रहता है, 2 रूट एक्स, रूट एक्स का वैल्यू कितना है 3 है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहली वाली चीज को ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जा रहा है और कुछ नहीं, और इसे ऊपर में लिख रहे हैं, तो कोई खेल थोड़े है इसमें। ये वाली चीज को ऊपर लिखना है और ये जो रूट एक्स का वैल्यू है उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब कितना होता है हाफ, तो 3.5 इसका आंसर हो गया। कभी कभी होता है ऐसा है कि ये पॉइंट के दो एक डिजिट तक या कभी दो डिजिट तक ही आंसर दे पाता है, लेकिन जो भी देता है एक्यूरेट देता है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, एक दो एग्जाम्पल्स मैं और करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो कितना है, रूट 5 है।
रूट फाइव का वैल्यू कितना होगा, फाइव को आप क्या तोड़ोगे, फोर प्लस वन तोड़ोगे, है ना। फोर का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, दो प्लस वन बाई टू, टू टू रूट टू है ना, रूट सॉरी टू रूट रूट फोर, रूट फोर का वैल्यू कितना होगा, टू होगा। तो यहाँ पे कितना आंसर बैठेगा, टू प्लस वन बाई फोर, वन बाई फोर का मतलब कितना होता है आप लोग जानते होंगे, टू वन बाई फोर का मतलब हो जाएगा दशमलव टू फाइव। आंसर हमारा कितना हुआ, 2.25। वन बाई फोर का मतलब 25 ही होता है ना, देख लीजिएगा आप लोग, मेरे समझ से तो 25 ही होता है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। आप लोग को अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो एक बार मैं क्लियर कर दूँ। देखिए क्या होता है, रूट एक्स प्लस माइनस बाई डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स, है ना। तो ये रूट एक्स का वैल्यू कितना आया, टू आया, और इसी रूट एक्स को दो से मल्टीप्लाई करके हम लोग फिर से लिख रहे हैं। तो ये टू को क्या किया, टू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और बाई ऊपर में अकेला है, तो ये क्या है हमारा, बाई है, आंसर है। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दो एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, उसमें से एक मैं कर देता हूँ और दूसरा जो है वो आप करोगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 19 को आप क्या लिखोगे, 16 प्लस 4 लिखोगे, लिखोगे ये कितना, 16 का स्क्वायर कितना, वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है, प्लस ये 4 कहाँ चला गया, ऊपर नीचे में कितना, 2 × 4, इसी को दो से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 4 + 1/2, 4 + 1/2 का मतलब कितना होता है, 5। तो 4.5 इसका क्या हो गया, रूट 19 का आंसर हो गया, ठीक है। तो वो जो रूट 27 है वो आप लोगों को खुद से बनाना है। आप लोग कहोगे सर आपने जितना भी एग्जांपल किया सबका सब पॉजिटिव वाला ही है, सब में जुड़ रहे हैं, माइनस वाला तो एक भी किया नहीं आपने। तो बच्चों बता दूं, ऐसा मैंने जो भी लिया यहाँ पे लिख रखा था टाइम बचाने के लिए पहले से ही, वो सब पॉजिटिव वाले ही लिखा गया, तो उसके लिए सॉरी। आइए मैं एक करके दिखाता हूँ निगेटिव वाला, कि निगेटिव में कैसे होता है। तो निगेटिव में मैं क्या ले लूँ, रूट सेवन ले लें, आइए रूट सेवन लेते हैं। देखिए रूट सेवन निकालना है, तो रूट सेवन को आप क्या लिख सकते हो, 9 - 2 लिख सकते हो, लिख दिया 9 - 2 इज इक्वल टू, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस दिया, बाई कहाँ लिखाएगा, ऊपर में, और इसी चीज को दो से गुना करके क्या कर देना है, नीचे लिख देना है, दो से दो कट गए तो कितना बचा, 3 माइनस 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, 0.33, है ना। अब तीन में से ये चीज घटेगा तो कितना बचेगा, 2.67, है ना, ये हमारा आंसर हो गया, 2.67 ही होगा ना। आप लोग एक बार चेक कर लेना, मेरे समझ से तो इतना ही होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी वर्गमूल हम लोगों ने निकाल लिया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से कहूँगा, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और क्लास 10th का जो मैथ और साइंस है, अगर वो भी कोई स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ से उसके वीडियो को शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो कि 9th और 10th का पढ़ाई बहुत अच्छे से किया जाता है यहाँ इस चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस जुड़े रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।